बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी ने 69 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय फिल्मों के संगीत के इतिहास में कंपोजर और सिंगर बप्पी लहरी का नाम फेमस है। बप्पी ने पिछले 48 साल में 500 से ज्यादा फिल्मों में 5000 से ज्यादा गाने कंपोज किए और गाए भी थे। सालों से हिंदी सिनेमा को चार्टबस्टर गाने देते आए बप्पी दा अपने अलग तरह के लुक और सोने के शौकीन होने के लिए भी पहचाने जाते थे। बप्पी लहरी का नाम सुनते ही हर किसी के दिमाग में सोने की चैनों से भरी एक शख्सियत दिखती है। अर्जुन कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म कुत्ते की शूटिंग पूरी कर ली है। इस बात की जानकारी अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर खुद दी। आमिर खान स्टारर लाल सिंह चड्ढा की रिलीज डेट एक बार फिर आगे बढ़ गई है। अब ये फिल्म 11 अगस्त 2022 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। पति से अलग होने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर करने के बाद आज पहली बार राखी सावंत पेपराजी के कैमरे में सामने आई। राखी ने रितेश को लेकर पेपराजी से बात की। इस दौरान वो काफी इमोशनल हो गई थी। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में राखी सावंत भी नजर आएंगी। वहीं इनको सलमान खान के दोस्त साजिद नाडियावाला प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुंबई के टी सीरीज ऑफिस में आमिर खान पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार वो अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। उसी दौरान उन्होंने ब्लू आउटफिट भी पहना हुआ था। एक्टर अक्षय कुमार इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। अब हाल ही में अक्षय ने सोशल मीडिया पर फिल्म का एक नया पोस्टर फैंस के साथ शेयर किया। मुंबई के धर्मा प्रोडक्शन के बाहर अनन्या पांडे को स्पॉट किया गया। इस दौरान उन्होंने व्हाइट कलर का एथनिक आउटफिट कैरी किया हुआ था।